ये बताएं, आपने अपनी सस्ती रोटी क्यों बजट से निकाल दी इस दफा? देखिए बात ये है, स्कीम तो ये बहुत अच्छी थी नो डाउट, कि भूख खत्म तो लेकिन नहीं कर दी पंजाब में? जब उस पर इम्प्लीमेंट ठीक नहीं हो रहा था, मैं समझता हूँ ये चीज़ मानने वाली बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं हम करवा सके, उस पर बेहतर नतायज उसके जो थे वो अखज़ नहीं हो सके, तो जब बेहतर नतायज किसी स्कीम के अखज़ नहीं होते तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि स्कीम बहुत अच्छी थी, हम उसे बेहतर तरीके से उसका जो था एक उसे हम चला नहीं सके, उस प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम पे हम तवज्जो नहीं दे सके, सही टाइम नहीं दे सके। तो वो जब किसी प्रोग्राम को अपने पंजाब प्रोविंस का वो कहते हैं दिवालिया कर दिया स्कीम ने, नहीं वो इस तरह नहीं है, मैं समझता हूँ कि कितने पैसे अभी तक टोटल आपने इस स्कीम में खर्च कर दिए होंगे? तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब लगा एक साल में। ये जो पिछला हमारा गुजरा जो ऐसा 1.5 साल गया था दौर उसमें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है, उससे बेशुमार लोग मुस्तफीद होते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का हम रिजल्ट चाहते थे उस तरीके का रिजल्ट नहीं हमें मिल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि फिर एक प्रोजेक्ट नहीं है, बेशुमार प्रोजेक्ट थे जिनको हमने एक ही दफ़ा खोला हुआ था, जिनमें काम हो रहा था। इतनी सब्सिडीज जो आप देते हैं, ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? इतने पैसे हैं आपके पास जितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है? अब कहाँ दे रही हैं हम, किस चीज़ पे दे रहे हैं हम? अब आप इसी तरह पैसे बांटने वाली बात ही ना, ये जो लैपटॉप जो आप इस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तो इनकरेज करने वाली बात है अपने स्टूडेंट्स को। हमने 70% की बात देख रखी है, क्राइटेरिया रखा था। तो जब मैं समझता हूँ कि आपके ये रोशन मुस्तकबिल की जामन है ये, मतलब एक डेस्कटॉप क्यों नहीं दे सकते आप, सस्ते होते हैं इनसे? नहीं, जब हमने एक बल्क की सूरत में खरीदे हैं तो वो सस्ते ही पड़े हैं हमें, वो डेस्कटॉप जो है उसकी लेवल पे, उस रेंज में ही हमें वो बल्क में देखें। बात तो वही है कि बल्क में डेस्कटॉप लेते वो और सस्ते हो जाते हैं। नहीं, ये बिजली में है नहीं उनके पास, वो क्या स्टूडेंट ईजिएस्ट वे है ना कैरी करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ईजिएस्ट वे है, वो अपने इंस्टीट्यूशन में भी लेके जा सकते हैं। अब तो इंस्टीट्यूशन में वो कहते हैं आप लेके आए जी अपना कंप्यूटर लेके आए, वहाँ पे आके सीखें। तो मैं समझता हूँ आज हमने, हम आज का इंसान जो जो चांद पे जा पहुँचा है, हमारे बच्चे जो हैं मैं समझता हूँ कंप्यूटर को नहीं ऑपरेट कर सकते, हमें उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, हमें उनको वो तालीम दिलवानी पड़ेगी जिससे वो दूसरी कौमों के साथ वो इस मैदान अमल में दौड़ सकें। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, ये एक अच्छा काम है, इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं खाली ताकि फैक्ट्स तो क्लियर हो जाना चाहिए। फैक्ट्स क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम और से भी लेके दें। यूथ के ऊपर फोकस, वो कहते हैं कि यूथ पे फोकस सारा इसलिए आ गया कि कुछ आपके मुखालफिन यूथ को बड़ा टैप कर रहे हैं। अभी तो ये तो हमारा प्रोग्राम जो था ये बजट में हमने अनाउंस कर दिया था, ये दूसरे मुखालफिन तो अब जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं, ये तो मैंने जून में बजट में अनाउंस किया था ये हम के 1 लाख हम लैपटॉप्स देंगे। बजट के अंदर आपने अपना रेवेन्यू टारगेट भी पिछले सालों की बनस्पत 15% बढ़ाने का कहा था कि रेवेन्यू बढ़ेगा, ये भी रेवेन्यू आप खुद जनरेट करेंगे कि ये भी वफाक से ही लेना है? देखिए जी, अब तक तो कलेक्शन वफाक सिर्फ कर रहा है, रेवेन्यू हमारा है वो जो हमारे GST ऑन सर्विसेज है या दूसरे मामला हैं उन पे जो कलेक्शन है वो अथॉरिटी सिर्फ जो है वो FBR है, उसे हम सिर्फ कलेक्शन चार्जेस जो है वो 1% देते हैं। लेकिन अब हम एक नया बिल लेके आ रहे हैं, मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसमें जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो कलेक्शन किया करेगी, और फिर ये 1% वाली बात रेवेन्यू टारगेट जो सेट किया है आप इसको मीट कर पा रहे हैं? मीट बल्कि हम इससे हम जो अचीव करेंगे, जो हमने बात की है 15% वाली, हम अचीव करेंगे इसे। आपने एक और कोई अरबों रुपए इस वक्त एक साइड पर रखे हुए हैं कि जो आपने यूथ में कर्जाजात देने हैं, जो कर्जे आप देने लगे हैं स्मॉल लोन्स यूथ को, क्या आप कोई भी ये कर्जों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए जी, हमने उन लोग नौजवानों के लिए रोज़गार को मुतारफ़ करवाने के हवाले से, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए, ताकि वो अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस चला सकें, तो तकरीबन 1 लाख नौजवान उसमें भी मुस्तफ़ीद होगा। जैसे 1 लाख ये नौजवानों को, ये स्टूडेंट्स को, उसमें लोन की अमाउंट क्या रखी हुई है आपने? लोन तकरीबन 1 लाख रुपया जो है जी वो पर 1 लाख रुपये में कामरान साहब बताएं कौन सा कारोबार शुरू हो सकता है? देखिए जी, कारोबार की बात नहीं है ये, तो जो बंदे कारोबार करते हैं करोड़ का, के मकसद तो यही है कारोबार, मैं बता रहा हूँ जो बंदे कारोबार करते हैं 1 करोड़ का, वो कहते समझते हैं कि 1 करोड़ रुपया कम है उनके कारोबार के लिए, ये बात तो आप वो कर रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने छोटे लेवल से मोटरसाइकिल, आजकल कितने छोटे लेवल से मोटरसाइकिल, कितने छोटे लेवल से मोटरसाइकिल, तो देखिए जी 35-36 हज़ार की भी है, जो दूसरी कंपनीज आजकल नई कंपनियाँ आ गई हैं 35-36 हज़ार की भी आ रही है, 40 हज़ार वाली भी है, 55 की भी है, होंडा जो है वो अब 80+ का हो गया है। तो बात ये है, मोटरसाइकिल एक जरूर ले सकता है इसमें? नहीं, मोटरसाइकिल ले ना ले, हमने तो बिला सूद उसे कर्जा दिया है, उसमें देखिए जी आप छोटे मोटा ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, कोई अपना कोई किसी भी मद में किसी दुकान में अपनी छोटी मोटी खोल सकता है। तो 1 लाख रुपया जो मैं समझता हूँ अब भी उसकी अहमियत तो है,
अब आप बड़े लोग हैं, आप समझते हैं कि जी ये लाख रुपए की अहमियत तो कोई नहीं है, लाख रुपए की अहमियत अब भी है, उस बच्चे से पूछे जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जब उसे लाख रुपए आप देंगे। और आपने यूथ के लिए वादा किया था एग्रीकल्चरल एंड वेटरनरी ग्रेजुएट्स के लिए कि आप उनको सरकारी जमीन लीज पे देंगे और एग्रीकल्चर लोन्स भी देंगे, वो शुरू हुई स्कीम अब? मैं समझता हूँ जी उस पर तो काफ़ी लोग मुस्तफीद भी हो चुके हैं और हमने तो बिल्कुल बजट के फौरन बाद ही इस पर काम शुरू कर दिया। कितना एरिया आपने इस वक्त कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर हो चुका है काम और बाकी काम हो रहा है, और इस पर हमने 12.5 एकड़ रकबा जो है, ऑलमोस्ट 12 एकड़ रकबा जो था वो ग्रेजुएट जो हमारे जरिए ग्रेजुएट्स थे उनको इस मद में हमने उनको अकोमोडेट भी किया है। 15 साल की लीज दी है? हाँ जी। उसके बाद क्या होना है 15 साल के? वो एक्सटेंड हो सकती है लीज़, वो मसला कोई नहीं है। बेसिकली तो किसी भी चीज़ में कदगर नहीं लगाई जा सकती, किसी बाद में नहीं आप एक्सटेंड नहीं हो सकती, एक्सटेंडेबल है। लेकिन बात करने की ये है कि अभी जो फ्रेशली ग्रेजुएट होके आए हैं जिन्होंने ज़रई मामलात में एक मेहनत करके साहित्य अपनी उजागर करने की कोशिश की है, तो उन लोगों के फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ लोगों का ट्रेंड बढ़ाने की ज़रूरत है कि लोग ज़रई ग्रेजुएट जो हैं वो हमारा जो कि हमने फोकस ज़रई अजनास की तरफ किया है। कितने ग्रेजुएट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस ऑफ़र के बाद लोगों का रुझान बढ़ा है, आइंदा आने वाले सालों में इसमें एक बेहतरी आएगी। आप हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे रहे मुकामरान साहब, हम ये देख रहे हैं कि कितने बने, कितनों को आपने लैंड दे दिया, मैं, क्या किया। मैं ये समझता हूँ कि अभी आज का तो मुझे इस तरह अंदाज़ा नहीं है, शायद आपने उसमें अपने फिगर्स। हम तो जी वजीर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि सारी चीज़ें फिंगर टिप्स भी होंगी। नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हमने तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम पंजाब के 36 ज़िला को इसमें ऑन बोर्ड किया है और तमाम ज़िलों में हमने इस चीज़ को बावर करवाया है। हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस हवाले से ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास हैं, तो रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उस पर बिल्कुल इस चीज़ को हमने इंश्योर किया है कि जितने ज़रई ग्रेजुएट्स हैं उनको हम अकोमोडेट करें और उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें, ताकि इस एग्रीकल्चर के फ़्रोग के हवाले से इन ग्रेजुएट्स की जो तादाद है उसमें खातर खा आने वाले वक्तों में इजाफा हो सके। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये पॉलिसी जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और आइंदा आने वाले वक्तों में आप इसके से हासिल नतज हैं वो देखेंगे। तो कम से कम आप कोई माइनॉरिटीज़ की तरफ आ जाते हैं, मेरा ख्याल जी वहाँ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल आप हों इस टॉपिक पे। अभी सुनने में ये आता है कि पंजाब, वो कहते हैं इज़ द मोस्ट अनसेफ प्रोविंस पूरे मुल्क में फॉर माइनॉरिटीज़, क्या पंजाब में माइनॉरिटी सेफ हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सेफ की हवाले से बात जब करते, तहफ़ की बात जब करते हैं, तो इस वक्त तो जब दहशतगर्दी का एलिमेंट हमारे गिर्द घूम रहा है तो उसमें माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है, हम सब में जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में हैं। आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, तो ये मैं समझता हूँ, मैं पहले ही बात करता हूँ कि सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ वाली बात नहीं है। हाँ, माइनॉरिटीज़ इजी टारगेट है। बेसिकली माइनॉरिटीज़ जो बड़ी हम्बल कम्युनिटी है, इन्होंने हमेशा जो है ना जी, इनमें आपने देखा होगा कभी कोई तलवारबाजी वाला, नेजाबाजी वाला काम नहीं किया। हाँ, अल्फाज की जंग जरूर लड़ते हैं ये लोग, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, ये कमज़ोर लोग हैं इसलिए ईजी टारगेट हैं, इन्हें ईजीएस्ट वे है कि इन्हें दबोच दिया जाए। इनके हवाले से मैं समझता हूँ कि इन्हें बड़ा कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन जब दहशतगर्दी एलिमेंट की हम बात करते हैं तो जहाँ पर कोरिया, गोजरा या बामनी वाला इंसिडेंट्स ये यहाँ पे पंजाब में हमारे दौरे हुकूमत में हुए, तो उसमें ये चीज़ भी देखने हमें आई कि वहाँ पे सही सर्वर पे भी अटैक हुआ, दादा दरबार पे भी अटैक हुआ, वहाँ पे मामबार गाँव पे भी अटैक हुआ। नहीं, बट हमें अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल तो ज़्यादा रखना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ, इसमें ये बात नहीं है कि हम माइनॉरिटी का ख्याल ही रखते हैं। अगर हम ये डिबेट वाली बात नहीं है कि पहले एतवार में क्या माइनॉरिटी के साथ नहीं होता रहा, क्या सांगला हिल हमारे दौर में तो नहीं हुआ, लेकिन वो डज नॉट मेक इट राइट कि आप जो हो रहा है वो उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। जस्टिफाई नहीं, भाई हम ये डिबेट नहीं कर रहे। गोजरा का आपने जिक्र किया, हुआ क्या गोजरा का, जो जिम्मेदारों को सजा मिली? देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमने तमाम लोगों को चलान किया, ठीक है जी। अब जो वहाँ के लोकल लोग थे, कमज़ोर लोग थे ना जी, मैंने पहले बात की, ये लोग कमज़ोर लोग हैं, तो उनको सपोर्ट तो आपने देनी है। तो हम तो सपोर्ट देते, गवर्नमेंट की सपोर्ट उनके साथ थी, लेकिन सारे हमने जिम्मेदार को सजा नहीं मिली। हमने तो जी देखे, जो कमीशन भी बनाया था उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में तमाम लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया, वो कानून के शिकंजे में रहे, हवालात के पीछे रहे। बात सुन लेना,
बात सुने, इस वक्त जेलों में है वो, मदईयों ने उनको माफ किया ना जी, कुछ मदई यहां से चले गए हुए हैं, उन्होंने जब प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, जब आप अपने केस को फॉलो नहीं करेंगे, देखें गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर जो बार होती है कि गवर्नमेंट ने मुजरमों को गिरफ्तार करना है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो है इन्वेस्टिगेशन ठीक हो, इन्वेस्टिगेशन में कहीं कदगर नहीं है, कहीं कोई खामी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि फलां बंदा जिम्मेदार है, लेकिन जब मुदईयों को सपोर्ट तो पीछे से आपको पता है कि उनको प्रेशर डाला गया होगा या फिर ड्रॉ करवाया होगा, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि मदई हमारा कमजोर है, मदई तो हमारे जो थे वो पाकिस्तान से, आप उनको स्ट्रेंथ पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं दे पाए, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मैं इसके जिम्मेदार जो है ना जी, मैं गवर्नमेंट को नहीं ठहराता, गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, मैं मेरे साथ हमारे एमपीएस कुलीग जो थे राणा सनाउल्ला साहब हमारे लॉ मिनिस्टर, हम तो वहाँ जाते रहे हैं, हमने तो कमीशन बना दिया था, उनकी एक कमेटी बना दी थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, 11 रुकनी हमने कमेटी बनाई थी उनकी, लेकिन क्या हुआ इसका बेड़ा गर्क जो है वो चंद हमारी एनजीओज ने किया, जिन्होंने अपने बिजनेस को चमकाने के लिए उन लोगों को झांसा दिया कि आप लोगों को बाहर भेज देते हैं, यहाँ पे आपकी जान को खतरा है, जब मदई बाहर चला जाएगा बिरून मुल्क जाके बैठ जाएगा तो कॉन्टेस्ट कौन करेगा, मैं समझता हूँ जब तक मदई नहीं होगा, और फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने जो यहाँ पर रह गए थे उन लोगों ने उनके हक में नहीं, बट क्या आपके ख्याल में आप सपोर्ट दे पाएँ अपनी कम्युनिटी को, कोई इसको यूनाइट कर पाए हैं? देखिए जी हमारी तो हतुलमकान कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करें, मैंने यहाँ तक आपके अपने ही आपके खिलाफ आजकल जुलूस निकाल रहे हैं जी, ये गोशा एमन वाले, वो आपकी सारी क़यादत हम देखते हैं, वो आपके सामने खड़ी है। देखिए जी वहाँ पे उसे पॉलिटिकल रंग दिया गया है। हुआ क्या है, वाकया क्या हुआ है? वाकया ये है जी, एक चैरिटेबल एसोसिएशन थी जो एक जर्मन कपल ने शुरू की थी बिफोर पार्टीशन। आज जो रेवन्यू रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड की बात करूँगा, कोई बंदा भी मुझे चैलेंज कर ले, मैं उसके रिकॉर्ड मेरे सामने ले आए अपना रिकॉर्ड, हमारे साथ बैठ के बात कर ले। उस चैरिटेबल एसोसिएशन ने उस अदारे का आगाज़ किया, वहाँ पर शेल्टर होम्स बुज़ुर्गों के लिए बनाया और वो खिदमत कर रहा था। अब वो जो जोड़ा था जर्मन, वो वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से मूव कर गया। उसके बाद मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ चर्चेज़ ने वहाँ पर खिदमत की, वहाँ पर उस चैरिटेबल एसोसिएशन को चलाया, लेकिन कोई भी चैरिटेबल एसोसिएशन उस चैरिटेबल एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं हो सकी। वो जाने से पहले किसी चैरिटेबल एसोसिएशन को अपने साथ अटैच नहीं करके गए। हाँ ये है कि वो अदारा जो था वो ख़रीदा था क्रिश्चियन कपल ने। अब वहाँ पे आपने कब्ज़ा कर लिया, अब वहाँ पे नहीं, अब वहाँ पे तीन जो है कंप्लेनेंट्स वो कहते हैं जी हम चैरिटेबल एसोसिएशन चला रहे हैं, जिसमें हमारी एक कैथलिक मिशन है वो चला रही है, दो और प्राइवेट हैं। पहली बात ये है कि गवर्नमेंट का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, जो बात क्लियर कट है। मैं ये चीज़ बावर करना चाहता हूँ, बाज़ लोग जो हैं उन्होंने सियासी रंग देने की कोशिश की कि शायद कामरन माइकल ने कोई एनओसी दिया है और इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में लिया है। देखिए समझ, मैं जो शहरी जो है ना, मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी शहरी ये देखते हैं कि जो आपके लीडर्स जो हैं, हाँ, जिनको हम चर्च के साथ मुंसलिक करते हैं, आपके बिशप हो गए, बाकी लोग हो गए, सारे देखते हैं कि वो सामने खड़े हैं आपके। एनओसी हमारे बिशप भी तो आजकल जी कुछ बिशप जो हैं वो सरकारी बिशप बने हुए हैं, सियासी बिशप बने हुए हैं, सेनेट के इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। हाँ जी, तो इसलिए वो भी लीडर्स को मुनासिब लगता है, वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है, वो रिटायरिंग बिशप हैं इसलिए शायद वो इस चीज़ की कर रहे हैं। कईयों को वो कहते हैं आप अपने साथ मिलाना चाह रहे होंगे, कल के वो ये कहेंगे कईयों को वो आपके साथ मिलाना चाहेंगे। बाद में ये करता हूँ कि रिलीजियस लीडर का काम है वो खिदमत करें खुदा की गिरजा घर में जाके।